नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान दें कि अपना जो एक नया लेसन शुरू होने जा रहा है, लेसन काफी इंटरेस्टिंग है और लेसन का शीर्षक देखिए कितना प्यारा है, तौलिए। हाँ, वही वाले जो आप समझ गए हैं, तौलिए। कुछ लोग टावल कहते हैं, कुछ तौलिए कहते हैं, कुछ तौलिया कहते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वैसा ही बोलते समझते हैं। तो शुद्ध मात्रा तौलिए, तौलिया एक होता है, तौलिए भोजन हो गया। तो तौलिए जो हम अपने शरीर के मुंह पोछने में, नहाने धोने में जो काम लेते हैं, वही तौलिए। सॉरी, ये जो तौलिया शीर्षक है, अब ये देखिए जो एकांकी है, एकांकी तो ये जो एकांकी है इसमें बात करेंगे हम लोग कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा ये रचित है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, देखिए हम बात करें इससे तौलिए एकांकी की। एकांकी का मतलब इसका पूरा एक ही अंग होता है, उसमें पूरी कहानी लिखी जाती है, जैसे एकांकी कहा जाता है। और उसमें अगर दो तीन पार्ट अलग होते हैं, नाटक शैली वो अलग चीज होती है, ये एकांकी है। कहानी जैसे होता है, इसमें संवाद होते हैं, पात्र होते हैं, अलग अलग होता है। तो तौलिए शीर्षक कहानी के जो सुप्रसिद्ध, क्या कहूँ, ये साहित्यकार है। ठीक है, नाटक, कविता, पता नहीं क्या क्या लिखा, बहुत बहुत प्रसिद्ध और पहुंचे हुए महान साहित्यकार हैं ये उपेंद्र नाथ अस्क। ये अब देखते अस्क शब्द में कुछ अलग सा फील आ रहा है। आपने सुना वो रस के कमल, वो नहीं है, अस्क। अस्क आंसू की बात होती है, अस्क गिरे, है ना। तो आंसू से मतलब होता है, तो आंसू से मतलब है ये, हालांकि सरनेम उनका, लेकिन अस्क जो शब्द है उर्दू भाषा की बात कर रहे हैं। तो पहले अच्छी बात है कि हम इस पाठ का, इस एकांकी की शुरुआत करने से पहले जानते हैं उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में। तो देखिए इनका जो परिचय है कि प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म जो पंजाब राज्य के जालंधर शहर नगर में हुआ है, पंजाब जालंधर वगैरह है, अमृतसर जालंधर काफी प्रसिद्ध शहर है ये, तो जालंधर नगर में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले उर्दू में लिखना प्रारंभ कर दिया, उर्दू में लिखना प्रारंभ कर दिया, उर्दू भाषा में लिखते, जो भी रचना करते, कविता नाटक जो भी था उर्दू में लिखते थे शेर शायरी के माध्यम से। बात करें कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे के सानिध्य में आकर लाइन बदल लेता है, और ये किसके सानिध्य में है, मुंशी प्रेमचंद। तो जैसे मान के चलिए कि पारस पत्थर के समीप अगर आप किसी और वस्तु रखते हैं तो उसको सोना बना देता है, उसी प्रकार से ये महान सम्राट है, साहित्यकार, कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। ये प्रेमचंद जी और उपेंद्र अस्क ये किसी गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में साथ साथ भाग ले रहे थे, तो एक दूसरे का अभिवादन किया, आदर सत्कार किया, और पता चला कि आप जब ऐसे ऐसे तो कि आप लिखते हैं, तो इन्होंने कहा मैं तो उर्दू में लिखता हूँ। तब मुंशी प्रेमचंद ने उनकी रचना को पढ़ के सुनते लगा कि भाई ये तो थोड़ा सा नाइंसाफ, आप हिंदी में लिखना शुरू करो। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी में भी कविता रचना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें, चलो लिखना प्रारंभ कर दिया है। बात करेंगे कि क्या क्या लिखते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक ये लिखते हैं, एकांकी के तो ये महान है। और आलोचना, आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म, मतलब किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गलत कमेंट करना, वो नहीं है। ये आलोचना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी बॉलीवुड की हमारी फिल्में बनती हैं या यूं कहो किताबें छपती हैं, तो बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उनको सेंसर बोर्ड होता, पूरी फिल्म को देखता है कि इसमें कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा दृश्य तो नहीं है जो समाज के किसी भी तबके को, किसी भी समुदाय को आहत करता है, दुख पहुंचाता है, किसी की भावनाओं से संबंध नहीं। अगर ऐसा कोई भी दृश्य, सीन, डायलॉग, बात होती है तो उस फिल्म को रोक करके उस सीन को काटने को कहा जाता है, वो डिलीट किया जाता है, फिर वो सबके सामने आती है। उसी प्रकार से हमारे जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, है ना, सेंसर बोर्ड, इनका भी एक होता है कि कोई भी न्यूज ऐसी वैसी होती है तो उसमें जो लिखा जाता है कि कुछ नियम होते हैं उनके तहत ही लिखा जाता है, पॉलिसी होती है कुछ। उसी प्रकार से हमारे जो ये पुस्तक छापने वाले होते हैं, पुस्तक प्रिंटर, उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है
कि आलोचना की बात करें तो आलोचना मतलब होता है कि कुछ फिक्स अधिकारी जैसे होते हैं, तो ये किसी भी पुस्तक को किसी ने विमोचन किया उसको पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर उसको देखते हैं क्या सही क्या गलत, उसके बाद उसका बाजार में आने का कुछ मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो आलोचना आलोचना लिखते हैं, मतलब कोई टॉपिक मिल गया इनको, उस टॉपिक के ऊपर ही अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो नियम बना है उस नियम को खारिज करने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं आलोचना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट होता है करना। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कोई नियम बनाया है, कानून बनाया है, कोई बात कही है, तो उसने कुछ सबूत के आधार बताई थी, और उस बात को आलोचना में लेकर चलना काफी दिक्कत होती है। तो देखिए आदि विधवाओं पर ये लिखते हैं, अब बात करते हैं कि इनका जो निधन 1996 में हो गया है। तो ध्यान दीजिए कि बात करें कि सितारों के खेल गिरती दीवारें और गर्म राख की ध्यान रखना है। तो सितारों के जो खेल, तो बात करें कि ये इनकी साहित्यिक परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले क्या ध्यान रखना है कि सितारों के खेल, गिरती दीवारें और गर्म राख ये इनके उपन्यास हैं। तो एक मिनट इसमें देखिए उपन्यास की बात करने जा रहे हैं, तो उपन्यास में जी हाँ बात कर रहे थे इनकी उपन्यास की। तो देखिए हाँ, इस पर इनको जो निधन की बात कर रहे थे 1996 में, और जन्म जो था इनको 1910 में, इसको याद रखिएगा आराम से ना, 1910 में जन्म हुआ है पंजाब के जालंधर शहर में, और 1996 का निधन हो गया है। अब बात करें साहित्य परिचय की, सबसे पहले बात करें सितारों के खेल, फिर गिरती दीवारें, फिर इनका है कर्म राख, शहर में घूमता आईना, ये सब इनके उपन्यास लिखे हुए हैं जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं इनके। फिर है अंकुर नासूर, तो नासूर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कोई ऐसा जख्म जो ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अंकुर नासूर, काले साहब, काले साहब किसी की उपाधि है। फिर है पिंजरा, ये सब इनकी कहानियां हैं। उसके बाद बात करेंगे जय पराजय, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, भंवर उड़ान, बड़े खिलाड़ी, ये सब इनके नाटक हैं। इनकी कुछ और भी रचनाएं लेकर प्यारे दे रखें जो पुस्तक में आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें पढ़ के बिल्कुल याद अवश्य करें, ये साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अब मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं कि जो एकांकी है तोलिए, इसमें शिष्टाचार और अपने परिवार की शान प्रतिष्ठा को दिखाने और बताने को लेकर ये एकांकी है, और जितनी बातें होंगी वो उस एकांकी के दौरान पढ़ेंगे। हालांकि एकांकी को उस तरह से उसका सार बनाना काफी रिस्की है, फिर भी मैं चाहूंगा, मेरा प्रयास करूंगा कि आप लोग उस एकांकी को पूरे शब्दों के साथ पूरी की पूरी समझ जाएं। ठीक है, तो अब इस एकांकी की शुरुआत अपन करने जा रही है। तो ये जो उनका लाइफ परिचय इसको पूरा कम्प्लीट किया, पढ़ लीजिए और पढ़ करके इसे बिल्कुल याद करना, क्योंकि ये अपने एग्जाम में आ सकता है। तब तक के लिए अपन वापस वीडियो तो क्लास रुक रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।